दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने व्हाट्सएप से अपने दोस्तों को इंग्लिश में कैसे चैटिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत तेज। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आता है, इंग्लिश में आप 0/0 हैं और आपको ABCD भी नहीं आता है, तब पर भी भाई कोई फिक्र नहीं, आप आसानी से इंग्लिश में अपने दोस्तों से चैटिंग भी कर लेंगे और आपके दोस्त को भनक भी नहीं लगेगा कि मेरे दोस्त को इंग्लिश नहीं आता है। आपको इसके लिए कोई एप्लीकेशन वगैरह भी इंस्टॉल नहीं करना है, विदाउट एप्लीकेशन है। और आपको बता दूं, इसके लिए आपको कोई चार्जेज वगैरह नहीं लगेगा, 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। आप जब तक चाहे जितना चाहे उतना इसे यूज कर सकते हैं इस वाले ट्रिक को। अगर आप भी चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों से व्हाट्सएप में इंग्लिश में चैटिंग कर लें या फिर हिंदी में चैटिंग कर लें या फिर किसी और लैंग्वेज में अगर आप चैटिंग करना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप से अपने दोस्तों को, तो आप और लैंग्वेज में भी चैटिंग कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इंग्लिश वाले को हिंदी में, हिंदी वाले को इंग्लिश में व्हाट्सएप अपने दोस्तों से चैटिंग कर लें विदाउट एप्लीकेशन, तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ऐप पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। जिनके चैट में आपको इंग्लिश में मैसेज आया है उनके चैट्स को इस तरीके से ओपन कर लीजिए। हमारे चैट्स में देख सकते हैं इन्होंने 3 मैसेज किया है जो कि सब के सब इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने इंग्लिश में क्या मैसेज लिखा है, क्या हो सकता है इनका इंग्लिश में लिखा हुआ मैसेज का, कहीं इन्होंने मुझे गाली तो नहीं दिया है। मेरा दोस्त है इस वजह से मुझे भरोसा है कि इन्होंने मुझे गाली तो दिया नहीं होगा, कुछ मैसेज जरूर लिखा है इंग्लिश में। अगर आप समझना चाहते हैं कि आपके दोस्त ने इंग्लिश में क्या भेजा है, इसके लिए आप ट्रिक यही लगा सकते हैं, मैसेज पे करिए क्या उंगली से यहाँ थोड़ी देर दबा के रखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे तो आपको इस तरीके से पट्टी नुमा दिखाई देगा। ऊपर देखेंगे तो राइट साइड में 3 डॉट दिखाई देगा, इसी 3 डॉट पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको दिखाई देगा कॉपी, कॉपी पे क्लिक कर लीजिए। कॉपी पे क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जो दिखाई देगा मैसेज करके लिखा होगा, जहाँ पे आप मैसेज वगैरह टाइप करते हैं, आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने एक कीबोर्ड ओपन हो जाए, कीबोर्ड दिखाई देगा जिस तरीके से हमारे फोन में, हमारे व्हाट्सएप में एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। एक कीबोर्ड गूगल कीबोर्ड है जो हमारे फोन में, हमारे व्हाट्सएप में दिखाई दे रहा है। आप भी देखेंगे तो आपके भी व्हाट्सएप में जो कीबोर्ड दिखाई देगा वो गूगल का ही कीबोर्ड होगा जो दिखाई देगा। ज़्यादातर फोन में, मैक्सिमम फोन में गूगल का ही कीबोर्ड दिखाई देता है, गूगल का ही कीबोर्ड रहता है। अगर आपके फोन में इंडी कीबोर्ड दिखाई देता है या फिर दूसरा कीबोर्ड दिखाई देता है, तो आप जो है गूगल कीबोर्ड लाने के लिए जो ट्रिक बाद में बताऊंगा उसके करते चले जाएंगे तो आपके फोन में भी गूगल कीबोर्ड आ जाएगा। तो और उसके बाद आप जिस तरीके से बताऊंगा इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप समझ लीजिए जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं। आपको यहां पे जो दिखाई दे रहा है गूगल कीबोर्ड, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको एक एरो दिखाई देगा लेफ्ट साइड में, तो आपको इसी एरो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर ही दिखाई देगा, आपको यहाँ पे CIF सेटिंग, आपको यहाँ पे जी करके दिखाई देगा, तो आपको इसी जी वाले पे क्लिक कर लेना है। जैसे जी वाले पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि इंग्लिश के स्थान पे आपका यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज करके लिखा हो और आपके हिंदी के स्थान पे इंग्लिश लिखा हो, ऐसा हो सकता है। अगर आपके फोन में, अगर आपके व्हाट्सएप में गूगल कीबोर्ड में इस तरीके दिखाई देगा तो आप इसे डिटेक्ट लैंग्वेज को इंग्लिश कर लीजिएगा और इंग्लिश वाले को हिंदी कर लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश टू हिंदी रखना है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, इसके लिए आपको कीबोर्ड हिंदी करना होगा। हिंदी कीबोर्ड करने के लिए आपको यहाँ जो अर्थ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आपका कीबोर्ड हिंदी हो जाएगा। अगर आपका ऐसा नहीं होता तो आपको यहाँ जो है हिंदी लिखा है यहाँ पे इस तरीके लॉन्ग प्रेस करिए, दबा के रखेंगे, इस तरीके से आप हिंदी या इंग्लिश में डिसाइड कर सकते हैं। इतना काम कर लेने के बाद आपको ऊपर दिखाई देगा हिंदी टू इंग्लिश, अब क्या होगा हिंदी वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरी भाषा को दूसरे में ट्रांसलेट कर लें, इसके लिए आपको इंग्लिश पे क्लिक करके दूसरा भाषा चूज कर लीजिए। इसी तरीके से आप जो है हिंदी पे क्लिक करके दूसरा भाषा चूज कर
सकते हैं, इस तरीके से आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ मैं पहले बताने वाला हूँ कि इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करें, क्योंकि मुझे समझना है इंग्लिश वाले मैसेज को। तो यहाँ पहले क्या करना होगा, इंग्लिश कीबोर्ड करना होगा। इंग्लिश कीबोर्ड कर लिया हूँ, मेरा देख सकते अब दिखाई दे रहा है इंग्लिश टू हिंदी दिखाई दे रहा है। अब करना क्या होगा, आप जो चीज कॉपी किए हैं यहाँ पे पेस्ट कर दिए। पेस्ट कहाँ करेंगे, टाइप हेयर टू ट्रांसलेट जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करिए, दबा के रखिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, आपको पेस्ट दिखाई देगा, पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे पेस्ट कर देंगे ऊपर देखेंगे तो आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। आप समझ गए हैं कि इन्होंने जो मैसेज किया है, ये मैसेज किया आप हिंदी में समझ गए। अब आप समझ गए तो इसको क्या करें, कैंसिल कर दीजिए। दूसरे मैसेज को समझने के लिए इसी प्रकार आप करिए कि इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करिए, दबा के रखिए, उसके बाद आपको ऊपर थ्री डॉट दिखाई देगा, थ्री डॉट पे क्लिक कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आपको फिर यहाँ पे जो टाइप हेयर टू ट्रांसलेट यहाँ पे करिए कि आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर देने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं ऊपर आपका आसानी से ट्रांसलेट हो गया है, हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है। आप इसका भी आप समझ गए हैं, इसको भी इस तरीके से आप कैंसिल कर दीजिए। तीसरा मैसेज समझने के लिए आप करिए कि इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करिए, उसके बाद ऊपर दिखाई थ्री डॉट पे क्लिक कर लीजिए, कॉपी पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे टाइप हेयर टू ट्रांसलेट आप करिए कि आप पेस्ट कर दीजिए, इस तरीके से आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कैसे कर देंगे तो आपका हिंदी में समझ गए हैं कि इन्होंने क्या मैसेज मुझे इंग्लिश में लिखा था, आसानी से आप समझ जाएंगे। जब मैसेज समझ में आ गया तो आपको इंग्लिश में रिप्लाई भी तो देना है, नहीं तो मेरा दोस्त यही समझेगा कि इसको इंग्लिश नहीं आता है। इंग्लिश में रिप्लाई देने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले आपको हिंदी कीबोर्ड करना होगा, क्योंकि आपको हिंदी आता है इंग्लिश नहीं आता है। तो आप हिंदी कीबोर्ड कर लीजिए, हिंदी कीबोर्ड कर लेने के बाद आपको सिर्फ टाइपिंग ध्यान देना है, हिंदी में सही सही टाइपिंग करिएगा, आपका इंग्लिश में टाइपिंग सही जाएगा। चलिए मैं पहले वाले मैसेज का रिप्लाई दे देता हूँ। यहाँ पे जैसे भेजा था हाउ आर यू करके भेजा था, मैं इसका दे देता हूँ मैं ठीक हूँ, मैं दे दे रहा हूँ मैं अच्छा हूँ या दे दो मैं ठीक हूँ, चलिए मैं अच्छा ही दे दे रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ यहाँ पे दे दिया हूँ, यहाँ मैं सेंड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं लिखा हिंदी में और आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, मैंने मैसेज कर दिया। उसके बाद यहाँ दूसरा जो मैसेज किया था यहाँ पे क्या था, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो आज, तो मैं लिख देता हूँ मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ काम कर रहा हूँ, कर रहा मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया, उसके इस तरीके से मैंने मैसेज कर दिया। तीसरा वाला मैसेज क्या था, प्लीज गिव मी सम आंसर, मैंने आपके उत्तर दे दिए, मैंने लिखा मैंने आपके उत्तर दे दिए, मैंने आपके उत्तर दे दिए, यहाँ पे लिख के मैं सेंड कर दिया। आपको सिर्फ हिंदी पे ध्यान दीजिएगा, आप कभी मत सोचिएगा कि मैं जो इंग्लिश में मैसेज किया हूँ गलत तो नहीं जा रहा है, उनका मैसेज गलत हो सकता है, आपका 1% गलत नहीं होगा, आपका मैसेज शुद्ध होगा, सही होगा। अब आपको बता देता हूँ कि आपको गूगल कीबोर्ड इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में आ जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो टाइप कर देना है, आपको टाइप कर देना है गूगल कीबोर्ड, आपको टाइप कर देना है चीज़ गूगल कीबोर्ड आपको टाइप कर देना है, टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद आपका ए वाला कीबोर्ड है, आप देख लीजिए, अगर आप कहीं में यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किए होंगे इंस्टॉल कर लीजिएगा, अगर आप पहले से इंस्टॉल किए हैं अपडेट वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे जो है अप्लाई करने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद सेटिंग को ओपन कर लेना है, ओपन कर लेने के बाद आपको चले आना है एडिशनल सेटिंग्स, आ जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपको लैंग्वेजेज एंड इनपुट पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे करंट कीबोर्ड जो दिखाई दे रहा है करंट कीबोर्ड पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं हमारे में जी बोर्ड पे टिक है, आपको इसी तरीके से इंडी पे टिक होगा, इंडी दिखाई देगा, आपको यहाँ पे जी बोर्ड पे टिक कर लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ जो मैनेज कीबोर्ड दिखाई मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर भी जो आपको दिखाई दे रहा है हमारे में देख सकते हैं तीन दिखाई दे रहा है आपको, जी बोर्ड दिखाई दे रहा है, इमोजी है, फॉन्ट कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, गूगल वॉइस टाइपिंग दिखाई दे रहा है। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे गूगल कीबोर्ड या फिर जी बोर्ड को अनेबल कर लेना है, और आपको इंडी कीबोर्ड या फिर दूसरे कीबोर्ड को डिसेबल कर देंगे तो आपके फोन में भी गूगल कीबोर्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप इंग्लिश वाले को हिंदी में, हिंदी वाले को इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।